हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नया स्टॉक येट अनदर स्विंग ट्रेड के लिए, जिसमें अराउंड 6 टाइम्स 6.5 टाइम्स का रिटर्न हमें मिलेगा, अराउंड 650% के रिटर्न। स्टॉक का नाम है 63 मून्स। टेक्निकल पैटर्न बहुत अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, यू कैन सी प्रॉपरली मैंने बनाया हुआ, जिसका ब्रेकआउट भी हुआ है, रिटेस्ट भी हो चुका है, और एक बहुत अच्छा सपोर्ट का लेवल था 341.95, जहाँ पर इसने लास्ट इस मंथ की शुरुआत में अच्छा सा बेस बना करके एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे दिया है। फिबोनाची लेवल्स का भी यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, 414.10 का सपोर्ट लेवल है। ओके, बट वीक मंथली क्लोज पे हमें देखना है, सो मंथली क्लोज ज़्यादा मायने रखेगी यहाँ पे। ऑल राइट, ये एनालिसिस मैं मंथली बेसिस पे कर रहा हूँ, क्योंकि ऑल द पार्टनर्स ऑल द एनालिसिस डन ऑन द स्टार्ट और ऑल ऑन दी वीकली, ओ सॉरी मंथली बेसिस। ऑल राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे। नीचे के जो सपोर्ट के लेवल्स थे, उनमें से एक लेवल जो उसको रिटेस्ट होना बनता है, बट यस, करंट ट्रेडिंग प्राइस जो है 415.85 रुपये का है, उससे काफ़ी नीचे है। नीचे का लेवल जो है 114.85, जिसका रिटेस्ट नहीं हुआ, जो कि अगर डिक्लाइन देखने को मिलेगा तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और फिलहाल के लिए तो एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकडाउन दिखते हुए मिल रहा है, बट येस, अगर वहाँ से फॉल करेगा 114 तक आएगा, तो हो सकता है हमें एक अपन हैंडल का पैटर्न भी देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक जोन है, जहाँ से हमें ऑलरेडी रिटेशन देखने को मिल चुका है अराउंड 697.40 वाले फिबोनाची लेवल तक उसके पास। बट यस, जैसे कि यहाँ पे मैंने जोन ड्रॉ करके रखा हुआ है 535 रुपये से लेकर के 805, जिसके अंदर स्टॉक घुसने की कोशिश किया था, बट वहीं से उसको डिक्लाइन मिला है जोन के लो से। और फिबोनाची लेवल भी यहाँ पर एक है जिसने उसको रेजिस्टेंस दिया है, विच इज़ अराउंड 523 का लेवल। ऑल राइट, 523.3 का लेवल है, जहाँ से इसने लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए डिक्लाइन लिया है, जोन से भी और फिबोनाच को भी रिस्पेक्ट किया। नीचे फिबोनाच का लेवल था, उसी के आसपास में फिर से इसने रिबाउंड किया है, जो कि अराउंड 321 रुपये 324 रुपये का लेवल है, वहाँ से रिबाउंड लिया है, जो कि मंथली कैंडल इस समय करंटली चल रही है। तो लेवल्स क्या देखने हैं, टारगेट्स कहाँ तक बन सकते हैं वो देखते हैं। राउंडिंग बॉटम का जो मेजर है वो अराउंड 642.56% का है। नेकलाइन जो है वो 30 से 41 रुपये 95 पैसा, जो कि है 341.95 रुपीज़ का है, जहाँ से इसने फर्दर सपोर्ट लेकर के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। अगर इस लेवल को, इस पूरे ब्रेकआउट को, इस राउंडिंग बॉटम को इसे कवर करना है, तो टोटल रिटर्न जो हमारा बनेगा वो 642 अराउंड 650% का बनेगा, और टोटल जो हमारा CMP हो जाएगा, स्पॉट प्राइस हो जाएगा स्टॉक का, जो इस समय 415.85 रुपये चल रहा है, वो हमें जब टारगेट पर पहुँचेंगे तो वो हो जाएगा 2540 रुपये के लगभग। ओके, एक्यूरेट वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, कोई भी अंदाजा या अप्रोक्सीमेशन नहीं है। ओके, एक्यूरेट वैल्यूज मैंने कंडक्ट करके कैलकुलेट करके यहाँ पे सब मार्क किया हुआ है, एज यू कैन सी इन द प्रॉपर एनालिसिस। ऊपर की ओर आते तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बनेंगे, उसमें हमारे पास नोटेबल लेवल जो है वो 625 रुपये का लेवल, 625 के ऊपर सस्टेन करेगा, और 625 से लेकर के हमारा जो जोन आई है 805 रुपये, इस पर कंसोलिडेट करेगा, 625 to 805 रुपीज़ के बीच में कंसोलिडेट करेगा, एक बहुत अच्छा बेस बनाएगा, एंड देन फर्दर यहाँ पर हमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि हमें ऊपर की ओर रेजिस्टेंस जो है हमारा, या एक टारगेट लेके जा सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ 1519.70 रुपये, 1519.70 रुपीज़ का रेजिस्टेंस लेवल ऊपर है, जो कि ऊपर जाकर के ये लेवल फिर से एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिलेगा, जो कि हमें फर्दर ऊपर जाने में हेल्प करेगा टू रीच आवर होल टारगेट फॉर द राउंडिंग बॉटम का टेक्निकल पैटर्न है, उसको अचीव करने के लिए टारगेट को 2539.05। ऑलराइट, तो ये एनालिसिस है 63 मून्स के, लेवल्स देखने वाले मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पे पहला लेवल है हमारा 625 रुपये का, जो कि सपोर्ट का काम करेगा, इसी लेवल को हमें वॉचआउट करना है, दोनों को वॉचआउट करना है, वहाँ से एक अच्छा सा एक्युमुलेशन हमको मिलेगा, वहाँ से एक्युमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। करंटली जो हमारा स्पॉट प्राइस है 415.85 रुपये का, ये बहुत अच्छा लेवल है, 414.10 रुपये में हम एक्युमुलेशन शुरू कर सकते हैं, एंड फर्दर उसके बाद जो है यहाँ से अगर हमें कैलकुलेट करके चले तो 625 रुपये तक जो करंट प्राइस है, वहाँ से लेकर के अराउंड 50% का रिटर्न मिलता है, उसके बाद एक अच्छा सा कंसोलिडेशन जोन के अंदर और फिबोनाची लेवल और 625 रुपये के लेवल तक के लिए बढ़िया से कंसोलिडेशन, उसके बाद फर्दर ब्रेकआउट एंड टारगेट्स अप टू 1590.70 रुपीज़, और उसके बाद जो कंटिन्यूशन होगा हमारा, एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि 1519.70 रुपये का टारगेट को अचीव करने के बाद यहाँ पे एक लेवल में मार्क कर देता हूँ, जहाँ पर हम फर्दर फिर से एकोमोडेट कर सकेंगे ऊपर जाने के लिए, अपने पूरे टारगेट को अचीव करने के लिए, नॉट टू फॉरवर्ड 2539.05, वो लेवल जो है उसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, वो लेवल है ये, जो कि है 994.85 पैसा।
बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एनालिसिस करके वीडियोस लाने में आप सभी के लिए, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं जो भी एनालिसिस देता हूँ उसको जिस तरीके से मार्केट चलती है, किस तरीके से मेरे एनालिसिस के लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करती है, वो भी मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूँ, एंड आई थिंक आई एम द ओनली वन डूइंग दैट. ओके, सो दिस इज एनालिसिस इन 63 मून्स टेक्नोलॉजीज फॉर रिटर्न्स अप टू 650% विद टोटल एक्सप्लेनेशन एंड यस केवल केवल एजुकेशन परस्पेक्टिव के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ. मेरा पूरा कंटेंट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही, आप लोग हमेशा ध्यान दें, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं. ओके, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट है +91. Nine 20 590 2888. ओके, आप लोग जो मेल पे भी लिख सकते हैं availslife@gmail.com. और जो फी है कोर्स का वो 4 4 वीक्स का कोर्स है, उसकी फीस है 30,200 रुपीज़ ओनली. ओके, सो एनरोल कीजिए कोर्स के लिए, आई सी यू इन द सेशंस. आई होप एनरोल दिस वीडियो, वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर 63 मून टेक्नोलॉजीज. मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें. जय हिंद, वंदे मातरम. यस, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, ये कभी ना भूलें.